आज संविधान की बात करते हैं कि बाबा साहब ने संविधान बनाया था और बाबा साहब ने उसके अंदर कानून के कानून दिया था और आज वही कानून खतरे में है, आज वही संविधान खतरे में है, तो सर खतरे का क्या तात्पर्य, क्यों खतरे में, क्या कारण है इसका खतरे में होने का? देखिए क्या होता है कि कुछ लोग तथाकथित लोग दिन में चांद को देख करके सूरज सूरज कहते रहें और जब 1000 लोग इकट्ठे होकर के सूरज सूरज चिल्लाते रहेंगे तो उनको चांद भी सूरज नजर आने लगेगा। बाबा साहब का संविधान एक ऐसा संविधान है जिसमें विधवा पूर्व श्रीमती इंदिरा गांधी भी विधवा होने के बाद देश की सशक्त प्रधानमंत्री बनी। आज देश में प्रधानमंत्री जो चाय बेचते थे आज उनकी मेहनत से सबसे नीचे के तबके से उठ करके माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाला आज देश का सर्वश्रेष्ठ सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री बना। ये सब अफवाहें हैं, देश के संविधान को किसी की ताकत नहीं है जो उसको बदल दे। हाँ, समय समय पर कुछ चीज़ों में अनुच्छेद जरूर हुए हैं लेकिन बाबा साहब के दिए हुए संविधान से बढ़कर दुनिया का कोई भी इतना सुंदर, इतना लचीला और इतना अच्छा संविधान कहीं भी नहीं है जो भारतवर्ष का संविधान बाबा साहब ने दिया है। और ये विरोधी भी जानते हैं, ये विरोधी भी जानते हैं कि बाबा साहब के द्वारा दिए गए संविधान से बढ़कर कोई ग्रंथ नहीं है, कोई संविधान नहीं है, लेकिन कुछ तथाकथित लोग गलत तरीके से उसको प्रपोज करते हैं। लेकिन सर आपने बताया कि संविधान कोई खतरे में नहीं है, लेकिन आज भारतवर्ष के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर जो नौकरियां हैं जो संविधान के द्वारा रिजर्वेशन से आते हैं, आज उन्हीं में जब सारा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो संविधान आपके लिए खतरे में नहीं? नहीं, देखिए प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है उसमें भी तथाकथित दलित नेताओं की कमी रही है। जब 1992-93 में कांग्रेस के राज में ठेकेदारी व्यवस्था आई थी तब दलित नेता कहाँ थे? तब किसी दलित नेताओं ने अपनी बात को नहीं रखा। और आज भी किसी भी कार्यालय के अंदर जितने भी SC ST वेलफेयर एसोसिएशन बनी हुई हैं और SC ST OBC भी बना रखी हैं, कहीं कहीं वो लोग जब ठेकेदारी प्रथा को अपने दफ्तर में इम्प्लीमेंट होते देख रहे हैं तो आज जो गरीब सबसे तबका है, जो झाड़ू मारता है, जो मैला उठाता है, जो चौकीदारी करता है, जो चपरासी का काम करता है, जो माली का काम करता है, उसकी लड़ाई को पढ़ा लिखा आदमी नहीं लड़ता है। इसलिए जब पढ़े लिखे लोगों के ऊपर गाज गिरती है, जब उनकी बड़ी पोस्टों पर गाज गिरती है तब वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि पूरा दलित समाज उनका साथ दे। वो साथ क्यों देगा? क्या किसी आज के दलित नेता ने आज तक दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी MCD जिसमें 60,000 कर्मचारी हैं और 20-25,000 NDMC के कर्मचारी हैं, लगभग 1,00,000 सफाई कर्मचारी हैं, उनमें से इतने ही लोग संविदा पर और कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध पर काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में संविदा पर 9-10,000 रुपये पर काम कर रहे हैं, क्या किसी दलित सांसद को दिखाई नहीं देता है क्या? क्या किसी वेलफेयर एसोसिएशन के नेताओं को दिखाई नहीं देता है क्या? क्या वो अनपढ़ बेचारा जो क्लास 4 की नौकरी कर रहा है, जब उसे आरक्षण की क्रीम नहीं पता, उसे संविधान के बारे में नहीं पता, वो लड़ाई कैसे लड़ेगा? वो अपने घर की रोटी का इंतजाम करेगा या फिर वो लड़ाई लड़ेगा? ये तो जिम्मेदारी हमारे जैसे पढ़े लिखे लोगों की और दलित नेताओं की है जो अपने कंधे पर दलितों का बोझ लेकर के कह रहे हैं कि आज हम सबसे बड़े मसीहा दलितों के हम हैं। जो तथाकथित लोग रैलियां कर रहे हैं दलितों के मसीहा बन करके, वो लड़ाई उन्होंने क्यों नहीं लड़ी? ब्रह्म प्रकाश जी, ये जो प्राइवेटाइजेशन जो चल रहा है, क्या प्राइवेटाइजेशन के अंदर भी रिजर्वेशन होना जरूरी है? बिल्कुल, हम तो कहते हैं कि आप प्राइवेट में रिजर्वेशन क्यों मांग रहे हैं? हम तो कहते हैं कि जो जितने भी भारत सरकार के कार्यालय हैं उनके अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। जब TCS कंपनी के अंदर इंजीनियर को पूरी तनख्वाह मिलती है, इंफोसिस कंपनी के अंदर पूरी तनख्वाह इंजीनियर्स को मिलती है, तो क्या एक चपरासी को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? एक क्लर्क को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? एक कंप्यूटर ऑपरेटर को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? एक स्वीपर को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? उसको भी उतना ही तनख्वाह मिलनी चाहिए जो एक इंजीनियर को मिलती है और जो एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर को मिलती है। ठेकेदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर
आप रिजर्वेशन की बात करते हैं, हम तो कहते हैं कि जब भारत सरकार की जमीन पर, भारत सरकार की जमीन पर आपने भारत सरकार की जमीन एक रुपए गज और दो रुपए गज के हिसाब से यहां पर बिजनेस करने के लिए दी, तो क्या वो संविधान से अलग थी? संविधान के तहत थी। उनको एक रुपए के हिसाब से, दो रुपए गज के हिसाब से 100-100 बीघा जमीन दे दी गई, 20-20 50-50 100-100 एकड़ जमीन दे दी गई, लेकिन उस पर भारत सरकार के नियम क्यों नहीं लागू होते? ये भारत सरकार को, हमारे मंत्रालयों को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को सोचना पड़ेगा कि जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं उसमें सभी लोगों की हिस्सेदारी तय होनी चाहिए, उनको तनख्वाहें उतनी पूरी होनी चाहिए। हाँ, या तो आप आरक्षण तय करें, और या अगर आप आरक्षण तय नहीं करते हैं तो आप उनके अंदर जो जितनी तनख्वाह और कर्मचारियों को मिलती है उसके हिसाब से उनको भी तनख्वाह तय होनी चाहिए। लेकिन सर, आज जब से ये भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने हैं, तो कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं, और डिपार्टमेंट कह लूं कि जो जो मंत्रालय है, जैसे रेल मंत्रालय है या अन्य मंत्रालय है, वहाँ के स्टेशन बेच दिए गए हैं, या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं वो बेच दी गई हैं। जब वो बेच दी गई तो वो डिपार्टमेंट कहाँ रहेंगे? वो तो एक बनिए की दुकान रहेगी, तो वहाँ वो रखे जाना था कि उसकी मर्जी है। वही हम कहना चाह रहे हैं कि जब किसी डिपार्टमेंट के स्टेशन को बेचने की आप बात कर रहे हैं, वो बेचा नहीं गया है, उसकी व्यवस्था को देख रेख करने के लिए एज ए जस्ट लाइक ए केयर टेकर, उसकी साफ सफाई, खाने की व्यवस्था। चूंकि इस देश के सिस्टम में भ्रष्टाचार बहुत पहले से, देश आज़ाद होने के 70 साल से चला आ रहा है, 70 साल पहले से अंग्रेजों के हाथ में जब था तब भी भ्रष्टाचार था, देश के आंदोलन को अंग्रेजों के हाथ इसी देश के लोगों ने दस्तावेज नहीं बेचे थे। कुछ डिपार्टमेंट बेचे गए हैं और बेचे जा रहे हैं? नहीं नहीं, सुनिए, बेचे नहीं गए हैं, उसमें कारण है, उनकी व्यवस्था को बिजनेसमैनों के हाथ दिया गया है, वो गलत है। जब जहां मैन पावर की आवश्यकता है, इस बात को मान रहे हैं कि बिजनेसमैनों के हाथ में दिया गया है, दिया गया, बेचा गया है? नहीं, बेचा नहीं कह सकते, बेचा नहीं कह सकते, क्योंकि रेलवे को कोई खरीद नहीं सकता, रेलवे को कोई खरीद नहीं सकता। लेकिन सर, रेलवे जो स्टेशन है या ट्रक है उन्हें तो खरीदा जा सकता है? नहीं, देखिए, उसमें भी उसकी केयर टेकर, जस्ट लाइक ए केयर टेकर मैन पावर दी गई है कि आप ये काम करके हमारे रेलवे को देंगे। लेकिन ये सरकार का है कि जब उसको वो दे रहे हैं तो जो उसमें कर्मचारी रखे जाएं वो भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय या रेलवे के जो नियम रूल हैं उन्हीं के अनुसार उनमें कर्मचारी, उनके वेतन और उनकी सारी सहूलियतों को तय किया जाए। हम उसके पक्ष में हैं कि उनकी सारी सहूलियतों को तय किया जाए, कि जो भारत सरकार, रेल मंत्रालय उनको सहूलियत दे रहा है वही सरकार और जिस कंपनी को जा रही है उसका बेनिफिट उसको भी मिलना चाहिए। धन्यवाद ब्रह्म प्रकाश जी, आपसे बात करने में हमें लगा कि आपने अच्छा कहा है कि एक तरफ कहते हैं कि आप ये ऐसे लोगों को दिया जा रहा है, दूसरी तरफ आप ये भी नहीं मानते हैं कि इनको बेचा नहीं जा रहा है, तो उनको आप देख रेख के लिए नहीं देखिए, बेचना तो नहीं कह सकते क्योंकि भारत सरकार की किसी भी संपत्ति को नहीं बेचा जा सकता, बेचा इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि आज भी दफ्तरों में जो प्राइवेट राशन कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे हैं, क्या दफ्तर बेच दिए हैं? मौसम विभाग में भी ठेकेदारी में लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमने उनका पूरा वेतन दिलवाया है, जो 13,000 रुपये 14,000 रुपये तनख्वाह है, 14,000 रुपये तनख्वाह में से उनका EPF वगैरह सारा कटवाने के बाद में उनको 12,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, हमने उनके संरक्षण का, पूरे जीवन का संरक्षण का ध्यान रखा है। उसी प्रकार से भारत सरकार को जब कोई भी किसी भी चीज़ का प्राइवेट राशन कर रहे हैं तो SC ST के दलित कर्मचारियों को, उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए, उनकी सैलरी या उनकी सारी चीजों को ध्यान में रख करके ही आगे बढ़ा जाए। बेचा नहीं गया है, अगर बेचा गया है तो मैं इसका पुरजोर तरीके से विरोध करता हूं, मैं इसके समर्थन में नहीं हूं कि भारत सरकार की संपत्ति को बेचा जाए, प्राइवेट राशन किया जाए, नहीं, मैं बिल्कुल समर्थन में नहीं हूं। अगर मैन पावर है चाहिए तो भारत सरकार में आज भारतवर्ष के अंदर जम्मू कश्मीर से लेकर के तमाम लोग रोजगार के लिए तड़प रहे हैं, बेरोजगारी में घूम रहे हैं, जिनको आज 15,000 रुपये तनख्वाह दे करके, एक इंजीनियर को 15,000 रुपये तनख्वाह दे करके, जो BTech 4 साल करने के बाद में 10,00,000 रुपये दे करके BTech करके आता है, 3,00,000 रुपये के कंपटीशन में तैयारी करता है, वो हॉस्टल में रहता है, उसकी 4 साल बर्बाद होती हैं, उसका शोषण होता है, जो अच्छे इंजीनियर होते हैं उनको विदेश भेजा जाता है, वो विदेश खरीद लेता है, उनको 1-2 करोड़ रुपये के पैकेज में ले जाती हैं विदेश की कंपनियाँ, और इंडिया के इंजीनियर को जो यहाँ रहते हैं वो प्राइवेट कंपनियाँ उनको 15,000 रुपये में उनका शोषण कर रही हैं, जो BCom लड़के हैं उनका 10-12 हज़ार रुपये में शोषण कर रहे हैं। अरे, आप सिस्टम की बात कर रहे हैं, सिस्टम तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपसे मैं एक बहुत कड़वा सच कहने जा रहा हूँ,
आप सुनने की लोगों में क्षमता होनी चाहिए, जो मैं सच कह रहा हूँ, जितने दलितों के तथा कथित नेता हैं, आप उनके घर में उनकी ड्राइवर की तनख्वाह, उनके खाने बनाने की तनख्वाह, खाने बनाने वाले बैटर की, साफ सफाई करने वाले की तनख्वाह आप जाके पूछिएगा। जो दलितों की लड़ाई लड़ने वाले लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं, उनके घरों में उनके काम करने वाले 24 घंटे काम करते हैं, डंडियों से और जूतों से पिटते हैं बेचारे, और 7,000 रुपये में उनको तनख्वाह मिलती है। ड्राइवर को भी 8-9,000 रुपये तनख्वाह देते हैं और सुबह शाम तक गाली खाते हैं अलग। ये दलितों की बात करते हैं। एक सांसद को 4 नौकरियों का 6 नौकरियों का तनख्वाह सरकार से मिलती है, 4-6 नौकरियों की तनख्वाह सरकार से मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बड़ी लड़ाई की बात करते हैं। अपने घर में कितना इंसाफ करते हैं सांसद जो दलितों की बात करते हैं? आप जाकर किसी भी सांसद नेता के घर पर जाकर सवाल पूछ लीजिएगा, क्या ईमानदारी है? या जो जितने भी मिनिस्टर हैं उनके घर में खाना बनाने वाला कौन आता है? जो बेचारा पहाड़ से आया है चल करके, जो गुवाहाटी से आया है चल करके, जो नॉर्थ ईस्ट से आया है चल करके, उसका शोषण करते हैं लोग, उसको पूरी तनख्वाह नहीं देते हैं, सरकार से पूरा वेतन मिलता है उनको, 4 आदमी से 6 आदमी तक का पूरा वेतन मिलता है, लेकिन उस वेतन में से भी खा जाते हैं। मुझे इस बात पर एक राइटर की, लेखक की बात याद आती है कि रात भर वैश्या बाजार में जाग करके एक पुलिस वाला पहरा दे रहा था। इन नेताओं को देख करके मुझे एक बात याद आती है जी, कि रात भर वैश्याओं के बाजार में जाकर एक पुलिस वाला पहरा दे रहा था, और सुबह होते ही उस वैश्या की कमाई में से वो पुलिस वाला अपना हिस्सा बांट रहा था जी। रात भर कि कमाई में से वो पुलिस वाला उस वैश्या की कमाई में से अपना हिस्सा बांट रहा था, और उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई कफन बेचने वाला भी कफन में से कपड़ा काट के चुरा रहा था। वाह, ये ऐसे नेता हैं। हम दूसरों को दोष देते हैं, हमारे नेता कितना हमारे लोगों के साथ न्याय करते हैं, अपने साथ के अपने ऑफिस के लोगों के साथ कितना न्याय करते हैं, क्या उनको तहजीब से बात करते हैं? अरे जूतों से मारते हैं लोग, मैंने देखा है, गालियां देते हैं, एब्यूज वर्ड यूज करते हैं अपने ड्राइवरों को, और जब दूसरे के दफ्तर में कोई बात हो जाती है उस पर हायतोबा मचाते हैं। कितना न्याय करते हैं लोग, पहले अपने घर से शुरुआत करिए भाई।